वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और नॉर्दर्न रेलवे सीरीज़ में आया हूँ एक रेलवे स्टेशन को कवर करने के लिए, जिसका नाम है बादली रेलवे स्टेशन, जो नॉर्दर्न रेलवे के ही अंडर में आता है। चलिए अब चलते हैं आगे इसकी मेन एंट्रेंस पे और इसका एक पूरा एक व्यू करते हैं। ये हम इधर की एंट्रेंस पर हैं, ये इसकी बैक साइड एंट्रेंस है। इधर ही ये मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है। अब हम जब इधर से एंटर करते हैं तो हमें ये सामने एंट्रेंस दिख रही है और ये जस्ट इसके बगल में ही पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इधर RPF चौकी भी बनी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड इधर ये मेट्रो स्टेशन भी है, जैसा कि मैं व्यू करवा पा रहा हूँ और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको व्यू करवाया। ये इसकी यहाँ की मेन एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंटर होते हैं। हम जब यहाँ से एंटर होते हैं तो हम इधर से हम लोग ये ऊपर जब चढ़ते हैं तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ से चढ़ते हैं हम लोग, तो ये हमें कनेक्ट करता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। और इधर मेट्रो से ये डायरेक्टेड कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ये जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये स्टेशन मेट्रो से डायरेक्टेड कनेक्टेड है, ये रहा मेट्रो का इन्होंने पुल दे रखा है और हम लोग पुल से इस तरफ से हम लोग यहाँ से कनेक्ट होते हैं और फिर ये हमने यहाँ से आए थे और ये जो है मेट्रो से ही कनेक्टेड है बिल्कुल। ये इसका एक व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। ये इस स्टेशन का एक व्यू है। यार्ड में एक मालगाड़ी खड़ी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 नीचे की तरफ है जहाँ मैं अभी आपको इसका व्यू करवाऊँगा। और ये हम सामने से कनेक्ट हुए थे, मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, ये देखिए, ये हम डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं, मेट्रो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और भी साधनों के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए अब इसके मेन फ्रंट पे चलते हैं। इसके टिकट काउंटर की बात करी जाए तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही स्थित है। इसका यहाँ से आपको टिकट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे लोकल ट्रेन्स के। ये मैं आपको एक व्यू करवाता हूँ एक मिनट। ये यहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, ये मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ। डस्टबिन रखा हुआ है, ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। खाने पीने में यहाँ पे एक फूड स्टॉल है छोटा सा, टिकट काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ही तरफ है। ये टिकट घर है, मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे अनरिजर्व टिकट आपको अवेलेबल होंगे। इस समय सारणी लगी हुई है। और ये यहाँ से इसकी ये मेन एंट्रेंस है। ये बाहर का व्यू है इसका स्टेशन का। ये इसकी मैंने फर्स्ट प्लेटफॉर्म से पहली नंबर की इसकी आपकी मैंने एंट्रेंस दिखा दी। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो साथ में जो टिकट काउंटर भी मैंने आपको दिखा दिया था, ये एंट्रेंस है। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 1 पर ही दूर संचार कंट्रोल केबल हेड बनी हुई है। ये छोटा सा स्टेशन है, ये इसका एक व्यू है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ मैंने आपको एंट्रेंस भी दिखाई और ये इसका एक व्यू भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ये वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वॉशरूम बना हुआ है। पीने के पानी का चेक कर लेते हैं एक बार चला के। हाँ, पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है इस स्टेशन पे, वाटर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन दिस स्टेशन। चलिए अब आगे इसके स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। और वाटर कूलर भी लगा हुआ है
यहाँ पे गर्मियों में ठंडा पानी भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो बेसिक नीड हैं उसको आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पे अवेलेबल हो जाएंगी। बादली रेलवे स्टेशन दो प्लेटफॉर्म का एक स्टेशन है, तो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पर काफ़ी कुछ हद तक अवेलेबल है। सो ये साथ में ही आप सामने देख पा रहे होंगे तो मेट्रो की लाइन गई हुई है, और जहाँ से मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई थी बिल्कुल कनेक्टेड है मेट्रो से ये स्टेशन। चलिए अब इस स्टेशन की पूरी बात कर लेते हैं और इसका एक पूरा एक रिव्यू दे देते हैं। चलिए अब इस स्टेशन की बात कर लेते हैं। बादली रेलवे स्टेशन उत्तरी दिल्ली ज़िले में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म में अच्छी तरह से आश्रय है। इसमें पानी और साफ सहित पानी की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन साफ़ सफाई में इसमें रेटिंग मैं कम दूंगा, क्योंकि साफ़ सफाई की व्यवस्था उस तरीके से अनुचित तरीके से हुई पड़ी है, क्योंकि हर जगह पानी बह रहा है जैसे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब इस स्टेशन की और भी बात कर लेते हैं। इस स्टेशन में ट्रैक 4 हैं, प्लेटफॉर्म 2 हैं। ये ट्रैक हैं 1, 2, 3 एंड 4, दो डाउन के दो अप के ट्रैक हैं। यहाँ पे पर डे 137 ट्रेन्स यहाँ से पास होती हैं। 20 ट्रेन्स का यहाँ पर हॉल्ट है। कुछ जो यहाँ पर हॉल्ट करने वाली ट्रेनों की संख्या तो 20 है। कुछ ही यहाँ पे जो ट्रेनें रुकती हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेन यहाँ से पास हो रही है, उसका भी व्यू आपको करवा देता हूँ। मालगाड़ी है ये यहाँ से पासिंग हो रही है। यहाँ पे हॉल्ट करने वाली ट्रेन जो है 20 है, और यहाँ से लास्ट ट्रेन जो यहाँ से डिपार्ट होती है वो रात में 11:20 पर डिपार्ट होती है। हम इसके एंड पर हैं। ये बादली रेलवे स्टेशन है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 216.54 मीटर, और साथ में पिन कोड भी मेंशन है 110042। अब स्टेशन की बात कर लें तो यहाँ से हॉल्ट करने वाली जो ट्रेनें जो यहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं, 20 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको प्रमुख का बता देता हूँ। पुरानी दिल्ली पानीपत लोकल 64001, नई दिल्ली सोनीपत लोकल 64003, नई दिल्ली पानीपत मातृभूमि लोकल 64469, पानीपत नई दिल्ली महिला मेमू, ये पहली महिलाओं के लिए मेमू है जो कि यहाँ से लोकल यहाँ से चलती है न्यू दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिला कालका हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस, पुरानी दिल्ली पानीपत मेमू 64451, कुरुक्षेत्र पुरानी दिल्ली मेमू 64452, दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन कुरुक्षेत्र मेमू 64461, नई दिल्ली कुरुक्षेत्र मेमू 64463। ये स्टेशन का व्यू है। इस वक्त हम लोग डाउन ट्रैक की तरफ हैं, अप ट्रैक हो रहा सामने जो बोर्ड लगा है, और ये हम इधर से व्यू करवा दे रहा हूँ मैं, ये डाउन ट्रैक है। चलिए अब इसका एक ओवरव्यू कर देते हैं और यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं इसका ओवरव्यू करके। तो हम बादली रेलवे स्टेशन के यार्ड में हैं। यहाँ पे एक मालगाड़ी यार्ड में खड़ी है, ये आप उसका व्यू कर दें। अब यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल टच में है। 7 साल पहले इस मेट्रो स्टेशन की स्थापना हुई थी। समयपुर बादली दिल्ली मेट्रो की येल्लो लाइन पर एक टर्मिनल स्टेशन है जो बादली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, बिल्कुल कनेक्ट। इस स्टेशन का उद्घाटन, ये जो आप सामने मेट्रो देख पा रहे हैं, इसका स्टेशन का उद्घाटन 10 नवंबर 2015 को हुआ। ये यार्ड। अब रोड कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। अगर हम आनंद विहार से इस रेलवे स्टेशन पर आना चाहें तो वहाँ से कनेक्टेड बस है 165, जो कि आपको सीधे यहाँ पर आपको कनेक्ट करेगी। ओल्ड दिल्ली से हम आते हैं तो 106A रूट नंबर की बस आपको बादली रेलवे स्टेशन। कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। इस स्टेशन की यही एक खासियत है कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ट्रेन्स यहाँ पे आपको लोकल्स मिल जाएंगी पानीपत कुरुक्षेत्र वगैरह जाने के लिए, और यहाँ से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली और आपका हजरत निज़ामुद्दीन से कनेक्टेड ट्रेन है जो कि आपको विद इन 2 आवर्स के अंतराल में अवेलेबल रहती हैं। ये मेट्रो की लाइन कनेक्ट है। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट।